बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाइन्थ क्लास। आई होप यू ऑल आर गुड बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी एंड एंजॉइंग गुड हेल्थ। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर नंबर 3 ऑफ बायोलॉजी। और चैप्टर नंबर इज 7 एंड द नेम इज़ बायोएनर्जेटिक्स। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है रेस्पिरेशन। आज हम रेस्पिरेशन के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि किस तरह से रेस्पिरेशन जो है वो होती है। जी स्टूडेंट्स, तो जब आप रेस्पिरेशन के बारे में सोचते हैं तो आपके माइंड में आता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कि आप सांस लेना के प्रोसेस को जो है वो रेस्पिरेशन कहते हैं। जी बेटा, तो आप भी गलत नहीं सोचते। हम कह सकते हैं कि जो रेस्पिरेशन है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी होती है, लेकिन इसको फिर हम नाम देते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का, यानी गैसेस एक्सचेंज होती हैं। लेकिन कभी हम ये नहीं सोचते कि ये गैसेस जो हैं वो किस तरह से इन एंड आउट हो रही हैं, फिर रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो हो रहा होता है। ठीक है, एक तो जो रेस्पिरेशन है वो ये हो रही होती है कि एक्सचेंज जो है वो गैसेस हो जाएं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी से आउट हो जाए और जो ऑक्सीजन है वो इन हो जाए। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि जो ऑक्सीजन होती है उसको यूज़ फिर किस तरह से किया जाता है बॉडी में, और इस जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो फिर कहाँ से आती है। तो आज हम यही पढ़ेंगे कि रेस्पिरेशन जो है एक तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है जो कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है, फिर इंटरनल यानी सेल के अंदर जो है वो फिर क्या चेंजिंग आती हैं जब वहाँ से जो है वो गैसेज एक्सचेंज होती हैं, वो ऑक्सीजन को जो है वो यूज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो रिमूव करते हैं। जी बेटा, तो आज हम स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेशन को। तो सबसे पहले मैं एक बात आपको जो है वो बताती चाहूँ कि जब भी हम जो है वो कोई काम करते हैं या कोई भी चीज़ जो है वो करना होता है हमने कुछ भी, तो हमें फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है। तो हम जो है उसको अपनी बॉडी में जो है वो एनर्जी कहते हैं, कि एनर्जी की जो है वो हमें ज़रूरत पड़ती है। तो वो एनर्जी जो है वो कहाँ से आती है? वो एनर्जी आती है जब हम फूड जो है वो लेते हैं। ठीक है, अगर हम फूड जो है वो ग्लूकोज की फॉर्म में ले रहे हैं तो वो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे ही हम उसको जो है वो बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है, वहाँ पर जो है वो उसकी ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो फिर वहाँ पर क्या होता है, उस जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं वहाँ पर चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो उस फूड के अंदर जितने भी सी एच बॉन्ड्स होते हैं वो जो है उसकी ब्रेकडाउन होती है। अब हमने बात करनी है सेलुलर रेस्पिरेशन की, कि सेल के अंदर किस तरह से जो है ये प्रोसेस होता है। ठीक है, वैसे हमने एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की बात की है जिसमें हमने एक्सचेंज ऑफ गैसेस को देखा। ठीक है जी बेटा, तो सेलुलर रेस्पिरेशन फिर क्या होगी कि जब हम फूड लेते हैं उसमें जितने भी सी एच बॉन्ड्स होते हैं उसकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो है वो हो जाती है। ठीक है, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें फूड के अंदर जो सी एच बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं उसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के ज़रिए उसकी ब्रेकडाउन कर दी जाए और उसके प्रोसेस में हमें मिले वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, और उस प्रोसेस को फिर हम कहेंगे ये है सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, और इसको जो है वो सेलुलर एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस भी कहा जाता है, क्योंकि प्लस एनर्जी जो है ये रिलीज़ करता है जब सी एच बॉन्ड जो हैं वो इसमें से टूटते हैं। आपको पता है जैसे ही कोई बॉन्ड जो है वो टूटता है बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वहाँ पर रिलीज़ होती है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन हमने देखा कि जैसे ही हम फूड लेते हैं उसमें जो सी एच बॉन्ड्स होते हैं उनकी ब्रेकडाउन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से मिलती है, वाटर मिलता है और एनर्जी मिलती है। एनर्जी को एटीपी की फॉर्म में हम यूज़ कर लेते हैं डिफरेंट पर्पस के लिए, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है इसको जो है वो हम बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। अब आपको समझ आ गई होगी कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो क्या है, और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वहाँ पर बन जाती है, फिर इसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के ज़रिए जो है वो बॉडी से आउट कर दिया जाता है। और ये रेस्पिरेशन का जो सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है इसमें ऑक्सीजन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये होता है, तो इट्स मीन कि गैसेस एक्सचेंज जो हो रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आउट कैसे होगी, सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस जब होगा वहाँ से बनेगी, और ऑक्सीजन जब इन होगी तो वो कहाँ पर यूटिलाइज होगी, ये सेलुलर रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होगा। ठीक है, तो इसको एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस जो है वो भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, अभी हम बात करेंगे एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। तो मोस्ट कॉमन फ्यूल जो कि रेस्पिरेशन में यूज होता है वो है ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज से ही हम मोस्टली एनर्जी जो है वो हासिल करते हैं। ठीक है, और ग्लूकोज जो है इसकी ऑक्सीडेशन डिपेंड करती है ऑक्सीजन की जितनी मकदार जो है वो प्रेजेंट है, यानी ऑक्सीजन जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो है वहाँ पर ज़्यादा होंगे। ठीक है,
सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो दो तरह से हो सकती है, एक तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है, उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे, ठीक है, और एक जो है वो विदाउट ऑक्सीजन होती है, यानी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, जिसको हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे, ठीक है। तो हम डिस्कस करते हैं आज के एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो क्या होती है, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो क्या है। जी बेटा, तो अभी मैंने आपको बताया कि जो ऑक्सीजन जब ज़्यादा मकदार उसकी प्रेजेंट होगी तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन जो है वो ग्लूकोज की हो जाएगी। जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन जो है वो ग्लूकोज की होगी, मैंने कहा ग्लूकोज जो है वो फ्यूल होता है, ठीक है, रेस्पिरेशन में, तो जब ग्लूकोज जो है इसकी ब्रेक डाउन होगी तो ऑक्सीडेशन होगी, तो ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ होगी, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ होगी, यानी उसमें जो है वो जितनी ज़्यादा मकदार प्रेजेंट है उतना ही ज़्यादा जो है वो प्रोसेस होगा, ठीक है। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो है वो ऑक्सीडेशन इसकी हो जाती है और मैक्सिमम रिलीज ऑफ एनर्जी जो है यहाँ पर होता है। तो अभी हम बात करते हैं कि इनके स्टेप्स क्या हैं और क्या होता है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है उसकी जो है वो ब्रेक डाउन होती है और सिक्स कार्बन कंपाउंड, ये सिक्स कार्बन कंपाउंड है आपके पास, ये टू पाइरूवेट के मॉलिक्यूल में जो है वो टूट जाता है, यानी कि टू थ्री कार्बन कंपाउंड में जो है वो टूट जाता है, इसकी ब्रेक डाउन होती है, सिक्स कार्बन कंपाउंड जो है वो टू कार्बन कंपाउंड में, टू मॉलिक्यूल जो है वो पाइरूविक एसिड के बनते हैं और थ्री कार्बन कंपाउंड में इसकी ब्रेक डाउन हो जाती है, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप जो है इसमें क्या होता है, पाइरूविक एसिड, अब आपके पास ये जो है वो टू मॉलिक्यूल बने हैं पाइरूविक एसिड के, जो पाइरूविक एसिड होता है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है और इसके अंदर जितने भी सी एच बॉन्ड होते हैं उनकी ब्रेक डाउन हो जाती है और ये ओवरऑल रिएक्शन दिया गया है, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन हुई ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, वाटर बनी है, प्लस एनर्जी जो है यहाँ से रिलीज हुई है, ठीक है। ये ओवरऑल रिएक्शन है जिसमें क्या हुआ है कि ग्लूकोज जो है उसकी ब्रेक डाउन हुई है और इसमें पहले स्टेप में तो ये ग्लूकोज पाइरूविक एसिड के दो मॉलिक्यूल में टूटा, फिर एनर्जी रिलीज हुई, फिर इसके अंदर जितने भी बॉन्ड प्रेजेंट थे सीएच बॉन्ड जो प्रेजेंट थे वो सारे टूट जाते हैं और इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो है वो होते हैं, रेस्पिरेशन का जो है वो प्रोसेस होता है। आज हमने एरोबिक रेस्पिरेशन को डिस्कस किया और एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही थी, ठीक है। कल इंशाल्लाह हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन को भी डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक आपने अच्छे से याद करना है और इसको लिख के भी देखना है, ठीक है, ये होमवर्क नहीं है लेकिन आप इसको खुद से जो है वो लिख के देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी केयरफुली, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।